श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपनी सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा यह समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। लोगों का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भागवत गीता में मिलता है, जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझ आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं तथा भगवान की पूजा नहीं करते, ना ही भगवान पर विश्वास करते हैं। उन्हें भगवान से कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं और कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जिसने काम का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म कभी नहीं बांध। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है।